नमस्कार, मैं अखाड़ा पंचनाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दो अलग अलग तरह से मार्केट्स ने ट्रेड किया। पहले हाफ में मार्केट में अच्छी रफ्तार थी, खरीदारी थी, जोरदार तेजी थी इनफैक्ट, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आई हायर लेवल से और सेंसेक्स करीब 350 अंकों के आसपास के डिप के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा, ऑटो, एनर्जी शेयर में प्रेशर रहा। बैंक निफ्टी बैंक और PSU बैंक दोनों में प्रेशर रहा। निफ्टी करीब करीब 82 अंक गिरकर 21,700 के जोन से बंद हुआ। जो फर्स्ट हाफ के सपोर्टिव स्टॉक्स थे जैसे कि TCS एंड ऑल, वो भी आज सेकेंड हाफ में टूटते हुए दिखाई पड़े। TCS 4,000 पार हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज न्यूज़ फ्लोस ड्रिवन था, तो टाटा मोटर बढ़िया नंबर्स के बाद रिएक्शन तेज़ी का, बढ़िया तेज़ी का रिएक्शन। इसके अलावा आज UPL के नंबर आए, बहुत ही ख़राब नंबर, और ख़राब नंबर्स के बाद रिएक्शन ही बहुत ख़राब। 11-12% टूट गया UPL और एक सीवियर डैमेज के साथ बंद हुआ। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल आज बढ़िया तेज़ी में था, 13-14% के आसपास का उछाल वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। अदरवाइज़ बाकी पूरे PSU आज ऐसी तेज़ी में थे, चाहे BEML लैंड एसेट हो, कोल इंडिया हो, ONGC हो, LIC हो, 1,000 के पार पहली बारी पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा। इस तरह के एक अच्छे अपमूव वहाँ पर थे। फार्मा, ऑटो, एनर्जी, ये तीन नाम थे जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही थी। टॉप गेनर्स में टाटा मोटर का नाम शुमार था, कोल इंडिया का नाम शुमार था, BPCL था, सिप्ला था, रेड्डीज था जहाँ पे खरीदारी थी। गिरने वालों में UPL, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, HDFC लाइफ जहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में तमाम PSU बैंक्स, यूको बैंक, IOB जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही, MMTC यहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों में EIL लास्ट आवर प्रॉफिट टेकिंग आई, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे नाम थे जहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक फर्स्ट हाफ तेज़ी और सेकंड हाफ प्रॉफिट टेकिंग के नाम ये पूरा सेशन होता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ में 1400 शेयर तेज़ी में थे एडवांस में, करीब करीब 1100-1200 शेयर में बिकवाली थी। सेकेंड हाफ में 800-850 शेयर तेज़ी में थे और 1400-1450 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। तो इस तरह से एक फेर पलट होता हुआ दिखाई पड़ा। आज फिर वो बड़ा एक्सीडेंट UPL के अलावा दूसरा नाम था, वो था Paytm का। लगातार पहले 20%, फिर दूसरा 20% और अब 10%, तीन सर्किट वहाँ पर लग चुके हैं और न्यूज़ फ्लो निगेटिवली थम ही नहीं रहे। अभी भी वहाँ पर प्रेशर प्रिवेल ही कर रहा है, तो शायद अभी भी और प्रेशर यहाँ पर रह सकता है, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो कि फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सबसे पहला सवाल है, सर फोमो हो रहा है अबाउट PSU रैली, नॉट होल्डिंग एनी PSU, होल्डिंग ऑल क्वालिटी स्टॉक्स, DMart, टाटा कैम, एस्ट्रल एट्सेट्रा, बट दे आर नॉट फायरिंग, ओनली PSU, हाउ टू अवॉइड दिस फोमो? बाजारी मत देखो, सिंपल हो जाएगा अवॉइड। सर, यू कैन नॉट ऑलवेज बी अ विनर, समटाइम यू हैव टू बी अ लूजर, उसमें क्या है? और जो मिलना है वो मिलेगा ही, चाहे वो PSU से मिले या नॉन PSU मिले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSU ही चले जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम स्मॉल मिड कैप में चले ही चले जा रहे हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप स्वान एनर्जी देख लो, एक तरफा तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने, PSU से कहीं ज़्यादा बड़ा रिटर्न देकर गया। KP एनर्जी, KP ग्रीन देख लो, दोनों ज़ोरदार तेज़ी में ये स्टॉक काम काज कर रहे हैं। सोलर का कोई भी कंपनी उठा लो आप, चाहे इनको छोड़ी दो, ग्रीन पार का HW सोलार हो गया, सुजलॉन हो गया, क्या क्या तेज़ी इसमें भी देखने को मिली। रेलवेज़ में बारिंग PSU, टीटागढ़ देख लो आप, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं बाहर रैली नहीं हो रही है PSU के अलावा, हो रही है, लेकिन हाँ PSU के एज अ ग्रुप बहुत बड़ी तेज़ी में है। ठीक है, हो रही है, और बड़ा कंसोलिडेशन सालों का चला है, वो ब्रेक हुआ है तो सालों की कंसोलिडेशन को पूरा करेगा, तो इसलिए तेज़ी लग रही है, बढ़िया चल रही है। आपको फोमो है तो आप पार्टिसिपेट कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी भी LIC, IRCTC बहुत नहीं चले हैं, हो सकता है चल जाएँ आगे, और तो इनको आप देख सकते हो एक बार को, इफ़ इन केस आप चाहना चाहो तो। लेकिन हाँ, मेजर ऑफ PSUs जो हैं वो बढ़िया तेज़ी दिखा चुके हैं। हुडको अभी लग रहा है और तेज़ हो सकता है, इसको भी आप अदरवाइज देख सकते हो, बट बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी बहुत PSU दिखा चुके हैं, सो ध्यान संभल के काम करना है इसमें अब। आगे बढ़ते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, बालाजी एमआईएन, टाटा कम्युनिकेशन ठीक है, बालाजी एमआईएन के नंबर बहुत वीक हैं, तो सर अभी अवॉइड करो बालाजी को, पार्थ सर, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन के नंबर ठीक भी थे और मतलब स्टेबल स्टॉक है, वो कहीं नीचे मिल जाए तो ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। UPL और देवयानी में एंटर कर सकते हैं क्या? देवयानी के नंबर मैंने देखे नहीं, कल आए थे, कल परसों में, वो मुझसे मिस हो गया था। लेकिन हाँ, UPL केस में एक बात है कि 480 ही है शायद, हाँ 480 ये क्रूशल स्टॉप लॉस था जो आज इसके नीचे क्लोजिंग आई 475। तो अनटिल अनलेस अभी 480 के ऊपर ना बंद हो तब तक आप इसमें हाथ मत लगाना,
UPL is a pain point. इसके नंबर सच में ख़राब हैं और इंटरेस्ट और डेट का जो नंबर है वो बहुत बड़ा आता हो दिखाई पड़ा है. सो वो कंसर्न रहेगा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, और ये फॉलिंग नाइफ है, फॉलिंग नाइफ कहीं मत पकड़ो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो ये हो, जब तक ये स्टेबल ना हो तब तक हाथ मत लगाओ. एक बार स्टेबल हो जाए फिर कोई कॉल ली जाएगी, सही बुरा अच्छा गलत जो भी है. लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप कुछ समय के लिए वेट कर लो, जिनके पास है होल्ड कर लो, जिनको निकलना उनका स्टॉप लॉस है 480, जिनको नहीं निकलना वो नहीं निकलेंगे. और अगर नया एंटर करना है थोड़ा स्टेबल होने के बाद कॉल लो, ज़्यादा बेटर है. स्नोमैन में प्रमोटर ने 63 रुपये पर भी 4 लाख शेयर उठाए हैं, हम भी 63 के नियर और ऐड कर सकते हैं. अभी 450 शेयर हैं, 72 रुपये की एवरेज है. मुकेश जी 63 नहीं है प्रमोटर का जो बाइंग लेवल है. अगर आप देखो पूरा दिसंबर महीने में स्नोमैन के प्रमोटर ने करीब करीब 4% 4.5% इक्विटी खरीदी है, और विद टाइम ये इक्विटी खरीदते ही गए हैं. ये पूरे महीने में इन्होंने माल खरीदा है, चाहे 55 रुपये से खरीदना शुरू किया था और वो 65 रुपये तक खरीदते ही चले गए लगातार. सो एक्यूमुलेशन जोन है वो 55 से 65 के बीच में. आप एक ही काम कर सकते हो, आपको कहीं भी 63, 62, 61 जो भी मिले आप ऐड कर सकते हो, ऐसे इशू नहीं है. बस एक 55 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखना कि वो बॉटम था, मतलब 55 नहीं तो और सेफ करना है अपने आपको, 53 कर लो चलो. तो 53 का एक स्टॉप लेके अगर प्रमोटर वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करने आता है और वो लेवल भी आ जाता है तो इसका मतलब फिर वीकनेस है. लेकिन अगर प्रमोटर उन लेवल पे आके बाय ले रहा है, किसी भी डिप में प्रमोटर बाय कर रहा है, सो अगर बाय कर रहा है तो आप आराम से बने रहो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है. और अगर आपको नीचे वो लेवल मिले तो आप भी ऐड कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस ज़रूर रखना क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत बॉयंट है. तो किसी फाइन डे आज तो मतलब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आज तो एक हल्का फुल्का क्या स्पीड ब्रेकर था, छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी नहीं था, रादर एक एक ब्रेक था खाली. तो ऐसा कोई बड़ा शॉक किसी मार्केट में आ गया तो एक बड़े डिप दिखेंगे कैश मार्केट के शेयरों में. वो कैश मार्केट के शेयरों का जो डिप होगा उस टाइम पर आपको स्टॉप लॉस काम करेगा. सो इसीलिए स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, लेकिन अगेन इस चीज़ के लिए विजिलेंट रहना कि आपकी प्रमोटर की बाइंग कहाँ कहाँ पर होती आ रही है और दोबारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जितना एग्रेसिवली प्रमोटर बाय कर रहा है उतना एग्रेसिवली आप भी बाय कर सकते हो, वो सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है किसी स्टॉक में एंटर करने के लिए. अदानी इंटरप्राइज लॉन्ग टर्म व्यू एट CMP. शिवम सर वैसे तो महंगा शेयर मानता हूँ मैं अदानी ग्रुप का ही है, लेकिन वो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बाद मेंशन थी कि बहुत बड़ी वैल्यू डीमर्जर की उम्मीदें हैं. क्योंकि GMR एयरपोर्ट अगर आपने देखा हो हाल फिलहाल में 95-90s के जोन में आ गया, इंडिगो के नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं. तो अदानी इंटरप्राइज़ के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अब इनका GMR एयरपोर्ट होगा, अदानी एयरपोर्ट्स होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत वैल्यू इनके पास अभी बाकी है. जहाँ GMR के पास 3 से 4 एयरपोर्ट हैं, इनके पास 70% एयरपोर्ट्स इंडिया के. सो यहाँ पर फिर भी एक बड़े मौके बन सकते हैं, तो इसलिए लग रहा है कि वैल्यू डी मर्जर के लिए आप अदानी है तो बने रहो एंटरप्राइजेस भी, और अगर नीचे मिल जाए तो ऐड भी कर सकते हो. बट वही एक बड़ा ट्रिगर है कब उसका डी मर्जर आता है, अभी उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन बोला है कि डी मर्जर होगा. तो डी मर्जर होना और कब होना ये सब टाइम लाइन नहीं है, लेट्स सी. बट अदरवाइज आप यहाँ पर सो फार अगर है तो बने रहो, ऐसा इशू नहीं है. ओके हाय सर, GK पेपर आज 400 में परचेज किया है, लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड कर सकते हो? मनीष जी आज ही कल वीकेंड पे किसी फंड मैनेजर से बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारी पोजीशन अपनी पेपर्स में उठाई है, JK पेपर, आंध्रा पेपर, और एक पेपर का नाम बोला था उन्होंने. तो बोल रहे कि यहाँ पर क्योंकि वैल्यू अच्छी है, सस्ते मल्टीपल पे स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, पूरा बाज़ार तेज़ी में है, पेपर में वैल्यू है, चला है नहीं सेक्टर ज़्यादा, तो यहाँ तेज़ी दिख सकती है. तो वैल्यू है इसमें, आप आराम से बने रह सकते हो, नंबर भी ठीक ठाक ही आने चाहिए. सो बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको नीचे मिल जाए तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हो. समय बढ़ लग सकता है बट चॉइस ठीक है आपकी, कोई ऐसा इशू नहीं है. ओके NHPC फॉर शॉर्ट टर्म. खान साहब कोई भी PSU अब ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जहाँ मतलब आप शॉर्ट टर्म जा रहे हो तो जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है. बट स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना अपना, क्योंकि पूरा PSU बहुत तेज है, और लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर आप यहाँ से ढूंढ रहे हो तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स ऊपर आ चुका है, उसके बाद अब आप एंटर कर रहे हो. सो यहाँ से शॉर्ट टर्म स्टोरी फिर भी बन सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस साथ, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अवॉइड ही करना. सो ध्यान संभाल के कॉल लेना. बहुत बढ़िया तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी पूरे सेक्टर में आ चुकी है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बहुत बढ़िया भाग चुके हैं. कुछ कुछ शेयर चल जाए बात अलग है, जिनका नाम मैं पहले रहता है, LIC हुआ, IRCTC हुआ, हुडको हुआ, इनमें फिर भी कुछ कुछ अपसाइड शायद बाकी हो, लेकिन जो अपसाइड एंड डाउनसाइड का रेशियो है उसके लिहाज से थोड़ा घबराने की सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है. सो देख संभाल के ही कॉल लेना एटलीस्ट आप.
फुटवेयर सेक्टर का मिड टर्म आउटलुक, सर वीक तो बहुत ख़राब थे इसके, मलिक साहब इसके नंबर तो बहुत ख़राब थे, बाटा के नंबर बहुत बेकार थे, इवन रिलैक्सो के नंबर क्यू ऑन क्यू ठीक थे, वाई वाई ख़राब थे। सो बहुत कुछ तो नहीं है आउटलुक में, हाँ लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है सेक्टर, होने दीजिए अभी थोड़ा और समय, उसके बाद देखते हैं क्या कॉल लेते हैं, थोड़ा राइट साइज होना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर टिप्पणी करना ज़्यादा बेहतर होगा अभी के कंपेरिजन में। सर साकार हेल्थ केयर बाय किया है 424 पर 50% शेयर, बाकी 390 और 410 के बीच में 50% बाय करूँगा। तो शर्मा साहब देखो 380 रुपये पे इसका लास्ट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था और ठीक लेवल पे आपने बाय किया, ऐसा कोई इस रिस्क है नहीं, मतलब जिनके जिनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है उनसे ही मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह के अलॉटमेंट आपने लिए हैं क्या लग रहा है, तो बोले कि कंपनी अच्छी है, बहुत सारे वो प्लांट्स वांट्स देख कर आए हैं, वो स्मॉल कैप को ज़्यादा ट्रैक करते हैं, तो उन्होंने इसलिए लिया था इसमें स्टेक, तो उनका बोलना है कि इस कंपनी में वैल्यू है, अहमदाबाद में इनका बड़ा प्लांट भी है, अभी मुझे भी जाने के लिए बोला गया, मैं भी जाऊंगा कभी ना कभी, लेकिन वो अहमदाबाद का जो प्लांट है उस प्लांट विजिट के लिए प्लांट अच्छा है, इनको कई अप्रूवल्स भी आए हैं, रिसेंटली एक अप्रूवल आके गया है, सो बेटर इज़ कि अभी तो आप बने रहो और लेवल भी ठीक रखें, आपने आइडेंटिफाई कर रखें, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि 380 अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का लेवल है, 360 कहीं आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आप खरीदारी को ऐसा कर सकते हो कि 50 आप ले चुके हो, 25-25 करके दो हिस्सों में बांट दो, लेकिन सेफ है, वैसे ऐसे कोई खास रिस्क है नहीं जाने वाला इसमें। NHPCL नवीन फ्लोरीन, नवीन वुड बी बेटर, लेकिन केमिकल के नंबर थोड़े ख़राब ही आ रहे हैं इस बारी, और ये शायद क्वार्टर रहेगा ही वीक, और वो वीक क्वार्टर दिख भी रहे हैं, और अब तो बहुत हॉरिबल हॉरिबल नंबर आ रहे हैं, इनफैक्ट एक दो के तो GHCL के नंबर कल बहुत ख़राब थे एंड ऑल, सो अभी के हिसाब से तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहो नवीन कर सकते हो, बाकी दूसरा जो नाम था वो तो मैं मिस कर गया, कहाँ गया, और NHPC था, NHPC केस में सर बढ़िया तेज़ी है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, बाकी शेयर में सर बने रहो ज़्यादा बेटर है, लेकिन नवीन फिर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, NHPC केस में ज़्यादा बेटर है इसके आप कैपिटल निकालते चलो। NHPC हो गया, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जो उस पर आए होंगे, टेक्समैको रेल में ऊपर की बाइंग है, क्या करें, अब तक होल्ड किया है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है? शिवांग सर बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, मतलब 170-200 रुपये मुझे याद है शेयर, 2-3 क्वार्टर पहले ही काम काज करता था, फिर वो एकदम से तेज़ी आई, अच्छे नंबर आए, एक तरफा चाल आई, उसके बाद फिर वो इंफ्रा की स्टोरी चल गई, रेल वेल आ गया, चल तो गया, अब रेलवे एक्सपेंशन हो रहा है, आप ऊपर फंसे हो तो बने रहो अभी तो सो फार, बट ऐसा फियास्को में पड़ के माल लेने की ज़रूरत होती नहीं कभी, बाज़ार में कुछ सब भाव नीचे के मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आपने ले लिया तो होल्ड करो सो फार, एंड नंबर्स पे नज़र रखना, इन्होंने डेट रिसेंटली बढ़ा था इनका लास्ट क्वार्टर का शायद, लेकिन एक चीज़ थी कि ये जो बड़ा केपेक्स आया रेलवे का 2,00,000 करोड़ रुपए का, प्लस मॉडर्नाइजेशन, कोचेस का अपग्रेडेशन, उन सब में इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सो फार तो बने रहो, नंबर्स पे नज़र रखना, वैसे भी कंपनी डिफेंस में बड़ा काम कर रही है रेलवेज के अलावा, तो बने रहने में बुराई नहीं है, बने रह सकते हो आराम से। UPL 570 फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट शुड आई डू नाउ आफ्टर दिस फॉल, शुड आई एवरेज, शुड आई होल्ड एंड शुड आई बुक लॉस, नो टाइम प्रॉब्लम। शशांक सर देखो 480 आपका एक स्टॉप लॉस था आज, पहले 540 था, उसके तो आप नीचे चले गए आपने देखा ही नहीं, लेकिन अब 480 अल्टीमेट स्टॉप था, वो भी आज निकल गया, उसके नीचे क्लोजिंग भी आ गई, तो वीक तो है, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है टेक्निकली, फंडामेंटली नंबर बहुत ख़राब थे आज जो आए हैं, बहुत ही हॉरिबल नंबर है, एक ही होप है कि ब्रोकरेज हाउसेज नंबर्स के बाद अपग्रेड किया स्टॉक को, रेयर केस है, पता नहीं क्यों, कुछ तो उन्होंने सुना है देखा ही होगा तभी किया है, इनक्रेड जैसे लोगों ने किया, इनक्रेड वो ब्रोकरेज ने सबसे पहले मुझे PSU बाय बोला था, सबसे पहले आज से शायद साल भर पहले या 1.5 साल पहले एक मीट में उन्होंने बोला था कि लॉन्ग चले जाओ पूरे PSU में, और BHEL था 30 रुपये उस टाइम पर, क्या ही तेज़ी उसके बाद आई, तो मुझे मिलते रहते हैं इनक्रेड के एनालिस्ट, तो पता नहीं मे बी बॉटम फिशिंग हो रही हो, तो आप अभी तो वेट करो, होल्ड कर लो, अभी कुछ मत करो, और एक बार स्टेबल होने का साइन लो, जहाँ स्टेबल होने लग जाए वहाँ ऐड करना, लेकिन रिस्की बेट है, और आपका 480 के ऊपर ज़्यादा सेफ जोन हो जाएगा, 480 आपका एक स्टॉप लॉस था जो आज निकल गया, तो टेक्निकल पैरामीटर सारे फंडामेंटल टेक्निकल बता दिए हैं, ये कुछ विकल्प हैं, इनमें से कुछ एक फॉलो कर सकते हो आप। UPL में हो गई बातचीत, सर जियो 210 की बाय है, क्या प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? हरी साहब मेरे ख्याल से तो बने रहो आप, क्योंकि रिलायंस की तेज़ी को भी इनकैश कर रहा है, और दूसरा ये न्यूज़ पे नहीं चला है, आप लोग अगर सोच रहे हो कि वो PayTM खरीद रहा है इस खबर पे चला है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ न्यूज़ है, कोई बज़ है, वो कोई कन्फर्मेशन नहीं है उस खबर का,
लेकिन जियो में अदरवाइज एक्सपेंशन के ऊपर चल रहा है कि लोग अगर इस सेगमेंट में कोई मतलब कोई एक फंड है जो कि इस तरह की कंपनी में पैसा डालता है तो अगर पैसा यहाँ से निकालेगा तो किस कंपनी में डालेगा, वो इस तरह की दूसरी कंपनियों में डालेगा, वो होती हैं जियो फाइनेंशियल, तो शायद इसलिए फंड चर्निंग हो रही होगी। लेकिन सो फार आप बने रहो, मार्केट में बज़ है कि 300-400 रुपये तक आ सकता है, सो बज़ है ये, कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। सो बने रहो, वैसे भी ठीक बैकग्राउंड ही कंपनी और पुरानी होल्डिंग है आपके पास, वो भाव तो आपका शायद ही देखने को मिले। अब 210 पे प्रमोटर बाय, 210 के आपकी बाय, सो प्रमोटर बाय करता है माल तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, तो आप आराम से बने रहो और समय दो, धीरे धीरे ट्रेल करते रहना अपने स्टॉप लॉसेस को। क्या जियो में इन्वेस्ट करना चाहिए? मिश्रा साहब, कोई भी तेज़ी वाले दिन अगर आपको याद आ रहा है कि मुझे शेयर में पैसा डालना है क्योंकि आज वो 15% चल गया है तो इसलिए मुझे डालना है, इसलिए ये गलत है सर। कभी भी भागते हुए स्टॉक को, भागती हुई ट्रेन को, भागती हुई बस को मत पकड़ो, नुकसान ही होगा एंड ऑफ द डे। सो बेटर इज लेट देम स्टेबलाइज, लेट देम वेट। एक ज़माने में UPL भी ऐसी भागा था, एक आ गया नीचे तो कोई ना कोई चीज़ नीचे मिल ही जाएगी कभी ना कभी, तब पहले एंटर कर लेना। बहुत यहाँ नहीं करेगा तो 400 रुपये जाके वापस 270 आ जाएगा, उसमें क्या, लेकिन स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद एंटर करना ज़्यादा बेटर है। मोमेंटम प्लेयर तो फिर स्टॉप लॉस लगा के चलो, ज़्यादा बेटर है। आई हैव 326 शेयर ऑफ एड शॉप। सर ये कंपनी का नाम भी नहीं, अर्चना जी मैंने नाम भी नहीं सुना इसका, एड शॉप, सॉरी मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। टाटा मोटर्स CMP न्यू एंट्री अवॉइड, अभी नहीं रवि सर, बहुत वैसे मतलब शॉर्ट के लिए तो बाजार ने मना किया हुआ है इसको, तेज़ी ही है इसमें, लेकिन आज नहीं, आज 5-6% चल गया है, कल परसों में अगर आज जैसे कोई डिप मिल जाए तो आप एंटर कर जाओ। ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास टाटा मोटर DVR के थ्रू है, अगर आप टाटा मोटर DVR में एंटर करते हो आगे चल के टाटा मोटर में मर्ज हो जाएगा, और क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा तो आपके पास फिर भी सस्ता पड़ेगा आप एंटर करना, तो शायद 7-6% डिस्काउंट है ऑलरेडी रेशियो के लिहाज से, जो लास्ट पढ़ा था, अब तो चेंज हो गया होगा रेशियो, लेकिन एक बार आप फिर भी गूगल कर लेना, अगर वो रेशियो में टाटा मोटर DVR के फेवर में है तो आप वहाँ से थ्रू एंटर करो, ज़्यादा बेटर है, और यहाँ नहीं नीचे मिले तो ज़्यादा एंटर करना ज़्यादा बेटर होगा। कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर अच्छे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी आई है, बट अगेन नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। आई हैड सोल्ड IOB टाटा मोटर्स टाटा पावर विद ओनली 10-20 प्रॉफिट, देन ऑल हैज़ ग्रोन 100-200, हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक? तो इसी के लिए तो बोलता हूँ कि सर थोड़ा पैसा निकालो और थोड़ा शेयर फ्री का रखो, ताकि कभी ये रिग्रेट ना रहे कि मेरा शेयर भाग गया। जो एक भाई साहब ने कभी कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे कि सारा शेयर बेच दो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करो, या सारा शेयर रख लो, दोनों के फ्लॉ हैं। सारे शेयर रख लोगे तो कभी क्रैश किया तो दुख होगा, सारे शेयर बेच दोगे तो ये दुख होगा कि कब निकल गया। तो इसीलिए उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है थोड़ा कैपिटल निकाल लो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते चलो, थोड़ा थोड़ा शेयरों को फ्री में रखते चलो, विद टाइम आपके पास फ्री के शेयर इतने हो जाएंगे कि आपको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि मैंने कभी इनमें पैसा डाला था, मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि किसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके भाव से नीचे नहीं आते हैं वो। ऐसे बहुत सारे शेयर मतलब मेरे कई मित्रों के पास पड़े हैं जो IPO के दाम से, जैसे TCS IPO पे अब 175-185 रुपये कॉस्ट है उनकी, या जुबिलेंट फूड 75 रुपये की कॉस्ट है उनकी, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कितना भी क्रैश हो जाए। यूनाइटेड स्पिरिट्स प्री स्प्लिट 2012-13 में कहीं उनके पास है, सो ऐसे नाम मतलब ये मेरे सामने ही हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब बाजार में होता नहीं है, आप टाइम दोगे, थोड़ा थोड़ा अपना कैपिटल निकालते चलो, फ्री का शेयर रखते चलो, ऐसा दाम बहुत मिलता है। लेकिन और हर चीज़ बाजार में आपको फोमो देगी, जब तेज़ी आएगी तब फोमो होगा, एक सेक्टर चल जाएगा तब फोमो होगा। सर बाजार में सब कुछ आप नहीं ले सकते, कुछ भी कितना भी पैसा हो आपके पास, बड़े बड़े फंड मैनेजर नहीं ले सकते, आप कहाँ से लोगे, आप सब कुछ नहीं ले सकते। तो एक ही चीज़ लीजिए, संतुष्टि, बाकी कुछ नहीं ले सकते आप, तो संतुष्टि रखिए, जो मिलना है वो आपको मिलेगा, जो नहीं मिलना हो वैसे भी नहीं मिलेगा, तो इतना क्या लोड लेना उसके लिए। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई उनसे माफ़ी। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब मिलेंगे 5:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।